टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोले इतना दिन लगते तुमको और ऐसा तुम देखेंगे तो प्राइवेट टैंकर इधर कितने खड़े रहते, अभी आने दो प्राइवेट टैंकर वालों को, आज एक भी टैंकर नहीं है इधर, ये कौन सा तरीका हुआ? बोलो तुम लोग भी, तुम लोग साथ देना चाहिए। महीने में हर महीने हर हफ्ते महीने में चारों हफ्ते में दो दो दिन पानी की लाइन टूट रही है, दो दिन बोलते हैं, चार दिन पानी नहीं आता है कितने सारे विभागों में। शुरू होता है तो प्रेशर कम रहता है, फिर वो कर करके छह दिन हो जाता है, पब्लिक को इतनी परेशानी पिछले दो महीने से हद से ज्यादा हो रहा है। आपकी लाइन ऐसी कौन सी लाइन बनाते हैं कि लाइन बनती नहीं है, फिर टूट जाती है दो महीने से हद से ज्यादा। और अगर आपका वहाँ पे वाटर सप्लाई का MIDC की इशू है तो यहाँ पे जो वाटर विभाग है, जो टैंकर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। आपको जब पता चल जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपको कैसा वाटर सप्लाई करना है आगे, बराबर है। पर इनके यहाँ पे अभी जो प्राइवेट टैंकर जो मोटर वाले रात भर ये लोग प्राइवेट दौरे मारते हैं, अभी सुबह से फोन बंद करके बैठे हैं। अभी यहाँ पे जो लोग बोले कि टैंकर माफिया चल रहा है यहाँ पर, पानी की पाइपलाइन काफी पुरानी है, उसका क्या बार बार पानी की। एक बात देखिए कि अभी जैसे नगर सेवक हर चीज के लिए पब्लिक जो है नगर सेवकों को गालियां बकती है, पार्टी को गालियां बकती है, आप ये बताइए पब्लिक को अवेयर होना ये जरूरी है कि MIDC और वाटर विभाग की फेलियर है, ये हमारी फेलियर नहीं है, हम फिर भी यहाँ पर है आंदोलन करने। मतलब वाटर डिपार्टमेंट और जो टैंकर माफियाओं के मिलीभगत चल रही है जी, हमारा आरोप है टैंकर माफिया का ये और पानी विभाग साठ घाट चल रहा है लगा कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं। जब पानी विभाग के ऑफिस के ऊपर हमको कल हमको ये आश्वासन बोला गया कि सुबह से 9 बजे से जो है आपको टैंकर अवेलेबल कराया जाएगा, मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर पानी विभाग के ऑफिस में आकर बैठा हूँ कि टैंकर आएगा, हम हमारे वार्ड के लोगों को थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सा पानी की हम सहूलत देकर उनको सहूलत राहत मिल सकती है। लेकिन 9 बजे से मैं बैठा हूँ, ऑफिसर को फोन लगा रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, करते करते इन्होंने अभी 1 बजा दिया, अब बोलते हैं कि टैंकर आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टैंकर ऐसा कहाँ से आ रहा है, और जब हमको मुमरा के आज 4 दिन हो गया है, मुमरा के अंदर पानी की तकलीफ चल रही, 1 दिन का तुमने शटडाउन लिया, 2 दिन से तुम्हें लाइन टूटी हुई है, आज का 4th दिन है। जब इनको पता है पानी विभाग को कि 4 दिन से मुमरा का सके अब हमको पानी से वंचित है तो इनको अपना अरेंजमेंट करना चाहिए था, टैंकर की उपलब्धि रखना चाहिए था, यहाँ पर ऑफिसर को यहाँ जो ऑफिसर अधिकारी उनको यहाँ पर रख कर सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ हम कंटिन्यू इनसे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आज फ्राइडे से सिर्फ हमको फ़ोन पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। इसके पहले भी महासभा के अंदर सारे नगर सेवकों के नाम पर विरोधी नेता ने इस बात का उनको आवाज़ उठाई थी कि भाई मुमरा कौशा का भी जो सेकंड ऑप्शन जब भी कुछ इमरजेंसी आती है तो हमको स्टेम के लाइन की पानी का जो लाइन दिया जाए, मतलब आज भी नहीं आएगा पानी, आज वो भी आएगा पानी मिलेगा। हम जो पानी विभाग का जो बार बार का जो हो रहा है, जो फेलियर वो होता है, फेलियर जो हो रहा है ना, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान ने भी जो है बार बार महासभा में ये आवाज़ उठाई है कि हमको सेकंड ऑप्शन नहीं है, दूसरा पर्याय हमको नहीं है, हमको स्टेम की लाइन का भी जो है स्टेम की लाइन का भी सेकंड पर्याय दो, जब ऐसी इमरजेंसी होती है तो स्टेम के पानी से लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन वो चीज़ भी पेपर के ऊपर ही दिखी है, जब तक यहाँ पर कोई अधिकारी आता नहीं हमको ठोस आश्वासन नहीं देते हैं। इसी तरीके से मसले चालू रहेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का अगला कदम क्या होगा, क्या ठोस कदम उठाएगी? देखिए MIDC के खिलाफ हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी जो बार बार पाइप फूट रहा है वो कल्याण किड़काली साइड में ही फूट रहा है, यहाँ पे थाना के एरिया में जो स्टेम का पानी आता है वहाँ पे तो लाइनें नहीं फूट रही है, यानी इनका जो पाइप जो पुराने हो गए तो इनका काम है कि उसके ऊपर उन लोगों ने काम अच्छे से करना चाहिए। अब कल रात में मैं खुद वहाँ पे जगह पे गई थी, वापस से पुराना पाइप वहाँ पे ज्वाइन किए, वो पाइप कितने दिन चलेगा, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद वापस लाइन फूटेगी। इस भ्रष्टाचार के बारे में शानू पठान साहब ने भी उसका ये नतीजा तो नहीं मिल रहा है, उसका नतीजा क्यों मिल रहा है? ऐसा नहीं है, वो मेरी भी माँ मालिका से पाइप यूज हो रहे थे, पाइप तोड़ते हैं कि टूटता है, ये भी अभी एक क्वेश्चन है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा? ये अभी ये सौतेला व्यवहार उन्होंने बंद करना चाहिए, अगर ये बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें पूरी जनता जो है जितने भी लोग है पूरे रास्ते पे उतर के फिर उनको बता देंगे कि मुमरा क्या है। मेरी भी एक माँ पालिका से एक विनती है कि ये जो प्राइवेट टैंकर है ये जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तो माँ पालिका अपना टैंकर क्यों नहीं देती है? अगर वो अपनी माँ पालिका टैंकर की संख्या बढ़ाती है
तो ये इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। तो मेरी उनसे विनती है कि वो अपनी खुद की टैंकर की संख्या यहाँ बढ़ाए ताकि यहाँ की आवाम आराम से पानी ले सके। हमारे मंत्री जितेन अवार्ड साहब ने जो है जो एमएलटी जो पानी की एमएलटी है उसको बढ़ाई थी, 52 एमएलटी बढ़ भी गया है, सब कुछ हुआ है इनका बोलना। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बार बार जो लाइन का टूटना, एमएलडीसी की लाइन का टूटना, ये सबसे बड़ा कारण है। हमारा ये बोलना है कि मैं तो ये चाहता हमारे मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए, एक इंक्वायरी का एक टीम बिठाकर इंक्वायरी गठन की जाए कि बार बार ये लाइन टूटती क्यों है, ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि हर महीने में एक बार, कभी महीने में दो बार, कभी महीने में तीन बार, और उसके बाद ये टूटने के बाद भी महापालिका जो है, महापालिका का काम ये है कि भाई जब पानी लाइन टूटी इमरजेंसी होती है तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए मुंब्रा कौशल की आवाम के लिए सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। इस टाइम की लाइन को इनको जो है हमको मुंब्रा कौशल की भी आवाम के लिए देना चाहिए। बार बार हमारे विरोध पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने इसकी मांग की है, लेकिन वहाँ पर हमको सिर्फ यही बोला जाता है कि ठीक है हम इसको जो है पेपर पे कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, निकाल रहे, चल रहे हैं, सब यही चल रहा है, लेकिन अभी तक हमको स्टीम की लाइन का पानी भी नहीं मिल रहा है। अगर स्टीम की लाइन का पानी सेकंड ऑप्शन रहेगा तो लोगों को कुछ इससे राहत मिलेगी, और उसके बावजूद भी हो ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं रहा था। हमारा क्लियर ये आरोप है कि इसी के अंदर जो है इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा जाए कि ये टैंकर माफिया और इनकी मिली भगत तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार लाइन टूटती है, और जो प्राइवेट टैंकर वाले जो है अपनी मनमानी और दादागिरी से ये काम करते। आज हमको सुबह बोला गया था कि हम सारे टैंकर यहाँ अवेलेबल रहेंगे, और ये अवेलेबल रहने के बाद में टैंकर वाले जो हमको पानी यहाँ से पानी देंगे, लेकिन सुबह 9 बजे से ऐसा हो रहा है कि सारे टैंकर वाले अपने टैंकर के पानी को अपने फ़ोन स्विच ऑफ बंद करके रख दिया, और यहाँ पर अब पानी विभाग के ऑफिस के ऊपर ना कोई अधिकारी, ना कोई ऑफिसर, कोई जिम्मेदार ऑफिसर यहाँ पर है नहीं कि जो हमको, हमारी जनता को, आवाम को जो है एक हम समाधान दे सके, कि हमको दे सके। इसीलिए सारे हमारी नगर सेविका फरजाना और नगर सेविका अश्विन राउत ने जो है और मर्जी अशरफ पठान ने इस ऑफिस के ऊपर जो ताला मारा है, और ये ताला मार के एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब अगर यहाँ पर कोई ऑफिसर, अधिकारी, कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है तो इसको बंद कर दो, इसको चालू रख के क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए हमने किया है, जब तक कोई ऑफिसर, अधिकारी यहाँ पर आकर हमको ठोस निर्णय देता नहीं है, हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इसी तरीके से धरने पर रहेंगे।